हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुधीर और ये वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण के तुलना के बारे में कुछ हम जानेंगे कि विशेषण के तुलनात्मक चीजें क्या होती हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, इन सब तीनों के बारे में आप पढ़े होंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपसे कि इस शब्द का आप उत्तमावस्था बताइए या इस शब्द का आप उत्तरावस्था बताइए। देखिए, एक शब्द आता है प्राविशेषण। तो प्राविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे वह बहुत सुंदर बालक है, तो सुंदर क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। लेकिन बहुत सुंदर हो गया, तो बहुत शब्द जो है यह है आपका प्राविशेषण। तो इतनी चीजें आप जान चुके हैं। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे विशेषणों की तुलना। तुलना का मतलब यही होता है कि इसकी तीन अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब हम देखेंगे इसमें क्या है। विशेषण जब किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष को बताता है तो गुण दोष की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। जैसे मैं आपको बताया, सुंदर है, बहुत सुंदर है या बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें बताई जाती हैं विशेषण में। या कोई कहता है वह लड़का अच्छा है, लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं वह लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं विशेषण की तुलना। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम करते हैं। इसमें तीन पार्ट होते हैं विशेषणों की तुलना में, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तीन नियम हैं। अगर आप वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। अब देखिए क्या है। अब मूलावस्था क्या होता है? ये क्या होता है? सामान्य अवस्था होती है। ठीक है, विशेषण की जो होती है विशेषता की सामान्य अवस्था होती है। उसके बाद उत्तरावस्था क्या होता है? दो की तुलना करके, यानी कि एक बढ़ाकर या घटाकर। उत्तमावस्था क्या होता है? कि सबसे ज्यादा बढ़कर। ठीक है, मतलब कि एक्सट्रीम पॉइंट पे बोला जाता है इसको। अब देखिए क्या है कि अब यहां पे उत्तम और उत्तरावस्था कैसे बनाई जाती है? तर और तम लगा के। तो देखिए कौन कौन से वर्ड हैं जिनमें तर, तर और तम लगा के बनाया जाता है उत्तरा और उत्तमावस्था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। अल्प का क्या होगा? तो अल्प का उत्तरावस्था होगा अल्पतम। क्या होगा? अल्पतर। हमने बताया था कि पहले तर लगता है फिर अगले वाले में तम लगता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अल्पतम, अल्पतम। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब हम आते हैं अपने अगले पे। अधिक का क्या होगा? अधिकतर, अधिकतर। कुछ फारसी शब्द भी हैं अगले वाले, ठीक है, पीछे लिखा उसको भी अभी पढ़ाऊंगा। अधिक का क्या हो गया? अधिकतर। और इसकी उत्तमावस्था क्या होगी? अधिकतम। क्या होगी? अधिकतम। फिर हम आएंगे कठिन पे। तो कठिन का क्या होगा? कठिनतर। क्या होगा? कठिनतर, कठिन, कठिन, तारतर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? कठिनतम। क्या होगा? कठिनतम। फिर हम आते हैं अपने अगले पे। लघु का क्या होगा? अब देखिए लघु का क्या होगा? लघुतर। क्या होगा? लघुतर। ठीक है, उसके बाद आपका उत्तमावस्था में क्या होगा? लघु का लघुत्तम। क्या होगा? लघुत्तम। तो ये पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि लघु का क्या होता है? तो लघुत्तम होता है। अब आपके पास आता है क्या? सुंदर। तो क्या होता है? सुंदरतर। क्या होता है? उत्तरावस्था क्या होता है? सुंदरतर। फिर उत्तमावस्था इसका क्या होगा? सुंदरतम। क्या होगा? सुंदरतम। फिर इसके बाद आता है निकट। तो निकट का क्या होता है? उत्तरावस्था। ये होता है निकटतम। क्या होता है? निकटतर। तर लगता है और इसका क्या होगा? निकटतम। क्या होगा? निकटतम। गुरु का क्या होता है? तो गुरु का जो होता है ये होता है गुरुतर। क्या होता है? गुरुतर। उसके बाद ये क्या होता है? गुरुतम, गुरु। फिर हम आते हैं महान। तो महान का जो उत्तरावस्था है ये क्या है? तो ये है महांतर। क्या है? महांतर। और उत्तमावस्था इसकी क्या होगी? महानतम। क्या होगी भैया? महानतम। ये आप सीख चुके हैं। फिर आता है आपका श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ का जो उत्तरावस्था होती है वो क्या होती है? श्रेष्ठतर। क्या होती है? श्रेष्ठतर। और इसकी क्या होगी? श्रेष्ठतम। क्या होगी? श्रेष्ठतम। इतनी चीजें आप सीख चुके हैं। न्यून का क्या होगा? न्यूनतर। देखिए सभी शब्द जो हैं वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है।
मैं आपको ये नहीं कहूंगा, आपको बेवकूफ नहीं बनाऊंगा कि यही आता है पेपर में, यही रट लीजिए, ठीक है। ऐसे पढ़ाने वाले लोग सिर्फ आपको बेवकूफ बनाते हैं। चलिए मृदु का क्या होगा, फिर बाकी आप समझदार हैं। मृदुतर और इसकी उत्तम अवस्था क्या होगी, मृदुतम। क्या होगी, मृदुतम। तर और तम लगा के बनाया जाता है, फिर से बता रहा हूं। दृढ़ का क्या होगा, दृढ़तर, और इसके बाद हम क्या इसको बनाएंगे, दृढ़तम। क्या बनाएंगे, दृढ़तम। चलिए तो अभी इसके बाद भी चलिए करा देता हूं, उसके बाद ही रिवीजन करवाता हूं। अब देखिए दूसरा नियम आ गया है, हिंदी में विशेषणों के तुलनात्मक विशेषता प्रकट करने के लिए से कम, से अधिक, से ज्यादा, या से सबसे ज्यादा, सबसे अधिक, सबसे कम, सबसे बढ़कर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए। जैसे अब यह है सुंदर, ठीक है। अब सुंदर तो आपने एक पढ़ ही लिया है, क्या पढ़ा है सुंदर का, सुंदरतर और सुंदरतम। अब मान लीजिए आपके पेपर में वो चीज ना आए, ठीक है, आपके पेपर में जो पहले वाले में मैंने बताया तर और तम लगा के वो वाला ऑप्शन ना आए, तब तो भाई आप कहेंगे कि ऐसा पढ़ा ही नहीं गया, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जैसे कुछ ऐसे वर्ड है उनका दूसरा अवस्था भी बनता है, जैसे कि सुंदर, तो सुंदर में क्या होता है, से अधिक सुंदर, से अधिक सुंदर, ठीक है। या तो पेपर में ये आएगा या तो वो आएगा, अगर दोनों आ जाता तो फिर भाई आयोग पे डिपेंड करेगा कौन सा सही है, तो वो क्वेश्चन आपका कोर्ट में जाएगा। अब देखिए इसकी उत्तम अवस्था क्या होगी, अभी आपने देखा था से अधिक सुंदर, उसके बाद अब क्या करेंगे आप, इसके बाद सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक सुंदर, ठीक है। अब देखिए बुरा का क्या होगा, बुरा का क्या होगा, से कम बुरा, से कम बुरा, उसके बाद क्या हो जाएगा उत्तमावस्था में, सबसे कम बुरा, सबसे कम बुरा। अब आ गया महंगा, तो महंगा में क्या होगा, से ज्यादा महंगा, से ज्यादा महंगा, इसके बाद क्या हो जाएगा उत्तम अवस्था में, सबसे ज्यादा महंगा, सबसे ज्यादा महंगा। अब आ गया ऊंचा आपका, अब ऊंचा में आप क्या करेंगे, ऊंचा के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्या है ऊंचा में, से अधिक ऊंचा, से अधिक ऊंचा, और इसकी उत्तम अवस्था क्या होगी, सर्वाधिक ऊंचा, सर्वाधिक ऊंचा, यानी कि सबसे ज्यादा ऊंचा, इससे ऊंचा कुछ नहीं हो सकता। तो ये हो गया, अब हम आते हैं कुछ फारसी शब्दों पे, ठीक है। फारसी शब्दों का तुलनात्मक रूप देखेंगे, जैसे कि उत्तमावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे क्या है बद, तो बद का उत्तरावस्था क्या होगा, बदतर, क्या होगा, बदतर, और इसकी उत्तमावस्था क्या होगी, बदतरीन, क्या होगी, बदतरीन, ये आपने सीख लिया। कम का क्या होता है, कमतर। अच्छा एक यहां से आपको एक चीज और भी पता चल रहा है कि ये जो तीन शब्द हैं बद, कम, अच्छा, ये सब कौन से शब्द हैं, फारसी शब्द। तो ये क्या होगा, कम तरीन, क्या होगा, कम तरीन। अच्छा का क्या होगा, अच्छा का होता है उत्तरावस्था, बेहतर, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो बेस्ट का मतलब बेहतर और बेटर का मतलब बेहतरीन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेहतरीन, बेहतरीन, ठीक है। इतनी चीजें आप सीख चुके हैं, अब आइए हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है। देखिए विशेषणों की तुलना तीन अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब इनमें तर और तम लगा के बनाया जाता है उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, जैसे कि अल्प, अल्पतर, अल्पतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, कठिन, कठिनतर, कठिनतम, लघु, लघुतर, लघुतम, सुंदर, सुंदरता, सुंदरतम, निकट, निकटतर, निकटतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, महान, महांतर, महानतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, मृदु, मृदुतर, मृदुतम, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने टू नंबर पे,
हिंदी में विशेषणों की तुलनात्मक विशेषता प्रकट करने के लिए से कम से अधिक से ज्यादा से सबसे ज्यादा सबसे अधिक सबसे कम सबसे बढ़कर आदि प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सुंदर से अधिक सुंदर सबसे अधिक सुंदर, बुरा से कम बुरा सबसे कम बुरा, महंगा से ज्यादा महंगा सबसे ज्यादा महंगा, ऊंचा से अधिक ऊंचा सर्वाधिक ऊंचा। अब फारसी शब्दों का देख लीजिए क्या है, बद बदतर बदतरीन, कम कमतर कमतरीन, अच्छा बेहतर बेहतरीन। तो दोस्त ये हो गया वीडियो, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फाइनली वीडियो देखने के थैंक्स फॉर वॉचिंग।